शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से पोलिंग पार्टियां अपने मतदेय स्थलों के लिए रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों के पास ईवीएम वीवीपैट सहित मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टेशनरी भी दी जाएगी, जिसको एसडीएम की निगरानी में कार्मिक विधानसभा वार टेबल लगाकर मतदान कर्मियों को वितरित करेंगे, जिसको लेकर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजय पांडे ने ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कभी कहीं भी कोई लापरवाही की जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ अनुज सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एडीएम वित्त विधान जायसवाल, एसडीएम सजनवा सुरनीत कौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कैसे मटेरियल को बांटना है, जगह जगह ये आपको बस डिस्प्ले कर देना है कि कौन सी पोलिंग पार्टी किस मतदेय स्थल की किस टेबल नंबर पे है, सीलिंग है उस काउंटर पे कि इन मतदेय स्थल का हम लोग सामान यहाँ रिसीव करा रहे हैं, पोलिंग फर्स्ट की भी, पोलिंग सेकंड की भी, पोलिंग थर्ड की भी। वो ऑलमोस्ट फेल्यूर रहा उसमें सीडीओ सर और हम लोगों को एडीएम फाइनेंस को एक एक टेबल पकड़कर खुद ड्यूटी बांटनी पड़ी है तो स्टाफ हमारा, तो ये देखना है कि आपको उसी जिस टेबल से रिसीविंग हो रही है उसी टेबल से उनकी ड्यूटी भी लेना है। मशीनें आएंगी उस समय आपको सील्ड सीयू पर दो चीजें आपको रिसीव करनी है, 17 सी फॉर्म जो होता है आपका, इसका डिटेल होता है कौन कौन से मतपत्र लेखा, तो उस डिटेल को कंट्रोल यूनिट के हैंडल पर ही मान लेना है, एक लिफाफे में रख के या खुला जैसा भी आपको अवेलेबल होता है उसे उसी सीओ के ऊपर बांध देना है। होंगे तो अगर कोई व्यक्ति बिना ये चार्ट देखे आपके पास आता है तो आपसे निवेदन है कि आपके जितने भी जो डेस्क हैं उसमें से एक डेस्क आप अपना हेल्प डेस्क बनाएगा, और अगर कोई बिना देखे वहाँ पे हेल्प डेस्क पे पहुँच जाता है तो आप उसे सबसे पहले उस बैनर पे भेजिए, उस जगह पे भेजिए। आपको स्वयं भी पता होना चाहिए कि वो बैनर कहाँ लगा हुआ है, और वो व्यक्ति वहाँ जाए देखे कि आखिर उसकी पार्टी संख्या क्या है, उसके बाद ही वो आए। एक बार वो पार्टी संख्या उसने देख लिया वहाँ पे, उसके बाद वो संबंधित जो आपके बूथ हैं जहाँ से जो संबंधित जो टेबल है जहाँ से सामग्री का आप वितरण करेंगे उसके ऊपर जो दफ्तियों में आप जो लगा के रखते हैं, तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप लोग A4 साइज की आप लोग दफ्तियाँ बनाते हैं तो आप उसे लैंडस्केप मोड में, मतलब ऐसे लैंडस्केप मोड में उस पर बड़ा बड़ा बूथ संख्या टेबल संख्या उसमें आप इंगित करें, और उसमें कौन से बूथ संख्या से कौन से बूथ संख्या तक है वो उसके नीचे एक अलग कागज में लिखें, जिससे कि वो थोड़ी दूरी से भी दिखें। जो दफ्तियाँ आप लोग लगाते हैं वो अगर हम एक तरीके से देखें तो वो अगर थोड़ा भी दूर चला जाए तो फिर वो दिखना बंद हो जाता है। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि कृपया आप लोग जो एक कार्डबोर्ड पे दफ्तियाँ लगाते हैं उस पर एक छोटा सा टेबल संख्या उसके आगे बूथ संख्या लिख देते हैं, इससे अच्छा ये रहेगा कि टेबल संख्या एक अलग दफ्ती बनाएं और उसके नीचे उस पर स्टेपल करके वो किस बूथ से किस बूथ तक है उसका आप एक अलग दफ्ती बनाएं, जिससे कि थोड़ा दूर से दिखे। ऐसा ना हो कि पार्टी बिल्कुल पहले टेबल से शुरू करे और वो एक एक करके सभी टेबल पे खोजते चले, इससे क्या होता है कि भीड़ बहुत हो जाती है स्टार्टिंग में। तो इस चीज़ का सभी एसडीएम्स प्लीज इसका ध्यान रख लें। 425 बूथ का जो पार्टी रवाना होना है उसमें पूरे दिन लग गया, हम लोग का चिंता यही है। तो फिर कल तो मान लीजिए 3434 बूथ का पार्टियां रवाना होगी, 3434 पार्टियां, उसके बाद फिर सेक्टर बाई सेक्टर उसका संबंधित फोर्स है सारे चीज, हमारा चिंता यही है। हम लोग प्लान में चुप हो जाएगा तो फिर पूरे दिन तो दिक्कत रहेगी, इसलिए तो हम लोग ये ब्रीफिंग रखा है। एंड व्यवस्था भी देखा हम लोग के, तो व्यवस्था तो वेल एंड फाइन। एक चीज है तो कल तो एसडीएम साहिबान आप लोग को ध्यान देना होगा कहाँ कहाँ साइनेज लगा है, उचित जगह लग जाए। हम लोग तीन दिन प्रति में उसका डी कोडिफिकेशन लगाने के लिए अभी प्रिंटिंग में दे दिए हैं, गेट में लग जाए विधानसभा वाइज एक प्रति, तो इसमें बीच में नहीं लग जाए गाड़ी के आसपास ताकि गाड़ी वाले में देखे रहे कौन सी नंबर है क्या चीज है, एक तो आपका जो सामग्री बढ़ता है उसके पास में लग जाए, वो जगह ऐसे लग जाए वहाँ भीड़ भाड़ ना हो जाए और तो फिर थोड़ा फैला के लग जाए। और बाकी जो कौन सी जो आपने वैसे तो सभी लोग बता दिए कौन सी टेबल में क्या क्या प्राप्त होना है वो क्लियर हो जाए, और सिंगल विंडो टाइप का बांटना है, यानी एक ही टेबल में आपका ड्यूटी भी बटेगी, ईवीएम मशीन भी बटेगा और आपका सामग्री भी बटेगा, ऐसे नहीं तो अलग अलग पहला मत दीजिए तो कहीं में ऐसे गलती होगी उसी की वजह बहुत देर हो गया हम लोग का। और तीसरा चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सेक्टर मैसेट को ऊपर पकड़,
बहुत जरूरी चीज है, कल हम 6:30 बजे बुला रहे हैं ताकि आप लोग तमाम काम होता है यार उनके पास, आप लोगों के पास भी, बट सेक्टर मैजिस्ट्रेट का तो फिर कोई काम नहीं, उनको बैठा दीजिए ढंग से, उनको बता दीजिए पार्टी फॉर्मेशन करना उनको जिम्मेदारी है, सारे सुबह 6:30 बजे हम लोग बुला रहे हैं तो सबको जिम्मेदारी दे दीजिए, तो उन लोग ही तो फिर ये उन लोग मिसगेट भी करते हैं बेटा जिला अधिकारी का, भाई चाहिए तो वो रिप्लेस करो फलाना, ऐसे तो यार 6:00 बजे तो उसका वो मतलब कोई मुंह नहीं बोलना है, कोई मिसकम्युनिकेट नहीं करना है, तो कैसे रिप्लेस करना क्या करना ये यार वो डिसाइड करेंगे, उसको क्यों डिसाइड करना है वो भी लिखेंगे एक रिटर्न आदेश के बाद, और सीडीओ साहब उसको रिप्लेस करेंगे, ऐसे नहीं जो आ गया तो फिर जुगाड़ लगा दिया उनको, हो गया ऐसा थोड़ी होता है, किसको रिप्लेस मतलब नहीं हो रहा 6:00 बजे ड्यूटी में नहीं आ रहा उनके खिलाफ हम सख्ती सख्ती कार्रवाई करेंगे उनका जो परमानेंट बर्दाश्त की भी वो हम लोग को भेजेंगे उसका डिस्मिसल के लिए, ऐसे एक दिन सेवा देने के लिए तैयार नहीं है ऐसे आदमी, सरकारी सेवा का जरूरत ही नहीं है एक दिन में करने, और खासतौर पर जो सुबह पार्टी रवाना होने में तो यार कितने जल्दी आप रवाना करोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आधा पार्टी यहाँ है आधा पार्टी वहाँ है, तो फिर रवाना होते होते कहीं मान लीजिए गोला जाना है, कहीं तो फिर चिल्लू पार जाना है, बहुत दूर इलाका है, यहाँ से जाते जाते आपको 3-4 घंटे लग जाता है, इतने जल्दी पार्टी रवाना हो जाएगा उतने आपका और काम के लिए समय बच जाता है, बाकी काम आप लोग उसके अगले दिन की तैयारी में लग जाओगे उसी में, और सेक्टर मैजिस्ट्रेट की इस बार हम लोग तो अतिरिक्त मशीन पहले से मंगा दिया, 2-2 सेट दे रहे हैं पूरा, इसलिए एक एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट पर 2-2 सेट रहेगा आपके पास भी पर्याप्त मात्रा में, एक एक एआरओ के अंडर तो 10 सेट हम लोग रखे हैं आपके डिस्पोजल में, आप कैसे रखने चाहते रखो, बट इस बार तो आपका स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है वो मशीन कहीं इधर उधर नहीं रहेगा, वो मशीन तो भले वो सेक्टर में से पास रहेगा नहीं तो आपके पास रहेगा, आपको ये भी व्यवस्था करना होगा जो मशीन है आप लोग दे रहे हो वो एक जगह उचित जगह रह जाए, वो तो उनके घर में ले नहीं जा सकते हैं सेक्टर में से, और प्राइवेट जगह नहीं रह सकते हैं हम लोग, तो चिल्लो उस पर खजरी में ऐसे व्यवस्था किए सवेरे जल्दी एसडीएम जो अपने दफ्तर आकर के ले जाते हैं उसके मशीन, नहीं तो यहाँ से ले जाते हैं, फिर उसके बाद सीधे माकपुर के पहले पहुँच जाते हैं, तो फिर वो सारे भ्रमण में रहते हैं माकपुर के पहले।